नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रैक। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। दाएं साइड है मेरे, आपको पता है, आपके प्यारे त्यागी जी, और लेफ्ट साइड है स्मृति। लेकिन लेकिन साथ में जो सामने स्क्रीन पे है ना, वो इतने खास है कि उनका आज तारुफ क्या करें। मतलब बल्लेबाजी आपने राजस्थान रॉयल्स की में देखी होगी, क्या मैच फिनिश किए हैं। मतलब कहते हैं ना कि नाखून चबाने वाले मैचों में राजस्थान रॉयल्स को जिताया है, और फिर उसके बाद फील्डिंग करने आते हैं तो फील्डिंग करते हैं तो भी सेल्फी पोज बहुत सारा इनके पास है ही, और डांस के बारे में तो मतलब क्या बोले, मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेयान पराग जी, बिल्कुल। और आपसे बात हो और विराट कोहली के बारे में बात ना हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि विराट कोहली के आप कितने बड़े फैन हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते भी है। तो सबसे पहले तो विराट कोहली से के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, और जब भी आप उनसे मिलते हैं तो किस बारे में ज्यादा बातचीत होती है? ज्यादातर बातें कंसिस्टेंसी कैसे हासिल कर सके उसके बारे में होती है, क्योंकि हमने देखा है कि वो इतने 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 अच्छे लेवल पे इतने सालों से खेलते आए हैं। मतलब डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट उनके भी होती है, पर आई थिंक वो एक लेवल मेंटेन करते हैं, और इतना हाई लेवल मेंटेन करना थ्रू आउट द ईयर्स आई थिंक ह्यूमनली बहुत इम्पॉसिबल लगता है, पर वो करते हैं। आई थिंक उनका सीक्रेट क्या है, वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा, वो क्या डिफरेंट करते हैं, मैच डेज पे क्या करते हैं, ऑफ डेज पे क्या करते हैं, तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और जब भी मिलता है आई थिंक वो मुझे अपना टाइम देते हैं, 10-15 मिनट का टाइम देते हैं, और आई थिंक बहुत कुछ ज्ञान उनसे मिलता है मुझे। बिल्कुल रियान भैया, मैं आपसे सवाल पूछना, क्योंकि आपको जिस तरह से रोल मिलता है राजस्थान रॉयल में, एज ए फिनिशर ही आप दिखाई देते हैं, और आपने कई मैचों को अपने बल्लेबाजी से जिताया भी है। बात चाहे गेंदबाजी की कर लीजिए या फिर बल्लेबाजी की कर लीजिए, दोनों ही मुझे आपकी बहुत पसंद है। मैं एक तस्वीर आपकी देख रहा था, महेंद्र सिंह धोनी के साथ आपकी एक तस्वीर है, धोनी को दुनिया का सबसे बेहतर फिनिशर माना जाता है, तो क्या सीखने को मिलता है एज ए फिनिशर? धोनी ने क्या आपको टिप्स दिए होंगे कि इस तरह से पारी को फिनिश किया जाता है, इस तरह से मैच को जिताया जाता है, और आपका सबसे बेहतर फिनिशर दुनिया में कौन है? एमएस से इतनी बातें तो नहीं हुई, बट आप जब वो मैचेस खेलते हैं या फिर जब वो इंटरव्यूज देते हैं, आप तभी आपको सीखने को मिलता है कि वो कितने काम है अंडर प्रेशर। आई थिंक प्रेशर में काम होना एक खुद में बहुत बड़ी चीज़ है। और यस, आपने जैसे बोला कि मैं 6-7 बैटिंग करता हूँ, आई थिंक क्रिकेट T20 में डेफिनेटली 6-7 बैटिंग करना आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट पोजिशन है। और आप अगर एक बैट्समैन को 6-7 बैटिंग कराओगे तो 14 में से वो आपको मैक्सिमम 2 या 3 मैचेस जिता के देगा, पर अगर हम एमएस को देखें तो वो 14 में से 10 मैचेस जिता के देता है। तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली अ लेजेंड, और अगर मेरे हिसाब से कोई फिनिशर सबसे बेस्ट हो वर्ल्ड में, आई थिंक डेफिनेटली एमएस धोनी है। अच्छा रियान सर, जैसे आपने कुछ ही देर पहले विराट कोहली के बारे में बोला, मेरा ये पूछना है आपसे कि विराट कोहली एज अ बैट्समैन या कैप्टन, आपको आप क्या चॉइस करेंगे विराट कोहली? विराट कोहली एज अ बैट्समैन डेफिनेटली, क्योंकि बैटिंग सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि पहले तो वो कैप्टन थे ही नहीं, और मुझे विराट कोहली से लगाव पहले हुआ क्योंकि जब वो सीन में आए थे और मलिंगा को मारा था, स्टेन को मारा था, सबको वो इधर उधर मार रहे थे। आई थिंक एज अ बैट्समैन उसकी पहली मतलब मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी, तो डेफिनेटली एज अ बैट्समैन फॉरएवर। रेयान भाई, आपसे बात हो रही है और उम्मीद है कि कुछ समय बाद या कुछ थोड़े से दिन बाद राहुल तेवतिया से भी बातचीत होगी हमारी। अब उनके साथ आपने बल्लेबाजी में भी बहुत सारी पार्टनरशिप की है, और ग्राउंड पे कैच लेते टाइम भी सेल्फी का जो पोज है वो तो दुनिया भर ने देखा है, तो राहुल तेवतिया के साथ आप कुछ अच्छे पल जो बिताए हो, क्या याराना है, मैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूंगा। हम बहुत मजे करते हैं अभी, क्योंकि क्या होता है क्रिकेट हम जब खेल रहे हैं, और अगर हम बाहर भी हम जब मीडिया इंटरव्यूज दे रहे हैं या फिर शूट्स कर रहे हैं, माहौल बहुत टेंस्ड वाला होता है, तो बहुत सीरियस वाला माहौल रहता है, तो राहुल भाई ऐसे टाइप के इंसान हैं जिनको मजे करना या फिर मजाक करना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक ग्राउंड पे भी हम माहौल लाइवली रखते हैं, और ग्राउंड के बाहर भी हम बहुत मस्ती घोर करते रहते हैं। आई थिंक मैच पे भी वो देखने को मिलता है, आई थिंक हम जब पार्टनरशिप करते हैं या फिर हम जब फील्डिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक एक लाइट साइड टू द गेम ऑलवेज रहता है, तो आई थिंक राहुल भाई के साथ शेयर करके फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, आई थिंक बहुत मजा आता है। बिल्कुल रियान भैया, आपका जो डांस बड़ा फेमस है दुनिया में, हर कोई जब आईपीएल को सब फॉलो करते हैं, और जब आप विकेट चटकाते हैं मैदान पर या फिर कोई कैच देते हैं, तो आपका जो डांस होता है वो देखने लायक होता है, क्या दिमाग में चल रहा होता है उस वक्त मैदान पर आपके? दिमाग में तो कुछ नहीं है, एक ऐसी नेचुरल रिस्पॉन्स है खुशी की, जब ऐसी मोमेंट होती है तो नेचुरली आ ही जाता है कि हम यहाँ पे बिहू बहुत नाचते रहते हैं, जब भी बिहू फेस्टिवल होता है, फिर जब भी
एसमीज गाने बजते तो हम बिहू नाचते हैं, तो आई थिंक एक नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का कि कोई भी बहुत हंसी वाला मोमेंट हो, बहुत खुशी वाला मोमेंट हो, तो बिहू आ जाता है एकदम। अच्छा आखिरी सवाल लूं उससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार हमें नया स्टेप देखने को मिलेगा डांस का? नए स्टेप तो भैया पिछली बार ही मैंने सोच के रखे थे पर मौका नहीं मिला, पर इस साल तो डेफिनेटली मिल गए जी बिल्कुल। और चलिए आप शो को खत्म करें उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज दिशांत भैया मतलब दिशांत याग्निक भैया के लिए कुछ शब्द कह दीजिए। दिशांत याग्निक सर एक बिल्कुल सुपरस्टार है फील्ड पे, आपको दिखता नहीं रहेगा कि क्योंकि हम लोग के ऊपर कैमरा ज्यादा रहता है, पर आई थिंक आप किसी को भी पूछ लो आरआर के टीम में, आई थिंक वो एकदम रॉकस्टार है, माहौल बना के रखते हैं, फील्डिंग जितना भी कराते हैं सबको एकदम एनकरेज करके रखते हैं, एकदम हाईली मोटिवेटेड इंसान है और बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी आपके इस बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं, पूरे सहमत हैं। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उम्मीद करते हैं कि ये सीजन आपका इतना धमाकेदार होगा कि अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो आप इंडियन जर्सी में होंगे। बिल्कुल, एक और मैं करता हूं कि एक नया स्टेप इस बार देखा। हां बिल्कुल बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।